Once we are reading the second lesson of your NCERT book, that is the address. So in this video we are going to discuss its detail summary. Now ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये एक लड़की के बारे में है, या आप बोल सकते हैं एक डॉटर के बारे में है, जो अपनी माँ की कुछ चीज़ें लेने के लिए जाती है एक एड्रेस पर. इसीलिए इस लेसन का नाम है द एड्रेस. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बार बीच में वॉर हुआ, हॉलैंड कंट्री में ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पर वॉर हुआ. और वॉर के समय में उसकी माँ ने अपनी एक फ्रेंड को, या आप बोल सकते हैं एक्वेंटेंस, यानी जिसे वो जानती हैं, तो उन्हें कुछ सामान अपना सुरक्षित रखने के लिए दे दिया. अब इसके बाद जब उन्हीं की बेटी, जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद जब उसे लेने गई, तो उन्होंने दिया कि नहीं दिया या क्या हुआ, यही हम इस स्टोरी में रीड करने वाले हैं. सो फर्स्ट लाइन इसके देख लेते हैं. द स्टोरी द एड्रेस इज ऑल अबाउट ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज द वॉर. तो वॉर के बाद ह्यूमन इमोशंस में या क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इसके बारे में हम लोग इस स्टोरी में रीड करेंगे. द स्टोरी नैरेट्स हाउ ए डॉटर गोज टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर. तो वॉर के बाद वो किस तरह से सर्च करने जाती है अपनी माँ के सामान के लिए, तो यही हम इस लेसन में देखेंगे. नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इट इज़ नैरेटेड हाउ द प्रोटैगोनिस्ट वॉज गिवन ए कोल्ड रिसेप्शन वैन शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस आफ्टर द वॉर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग. मतलब जैसे ही जो हमारी, आप बोल सकते हैं प्रोटैगोनिस्ट है, या जो भी हमारा नैरेटर है, तो वो लड़की जो है एक घर में गई, और उस घर का नाम था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो वहाँ पर गई और वहाँ पर उसे बाहर नेम प्लेट में लिखा हुआ दिख रहा था मिसेस डोल्डिंग, जो कि सही नेम था, और इसी एड्रेस पर उसे जाना था. तो जैसे ही वहाँ पर गई तो दरवाज़ा एक औरत ने खोला, और वो जो औरत थी वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहचान नहीं पाई है, तो उसे बार बार घूर के देखी जा रही थी. फिर इसके बाद जैसे ही जो हमारे नैरेटर है उसने पूछा कि क्या आप मुझे पहचानते हो, तो जो वहाँ पर औरत खड़ी थी उसने बिल्कुल भी नॉड कर दिया, मतलब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है. फिर उसने बताया कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. तो फिर उसने क्या किया, अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया. और फिर इसके बाद जो हमारे नैरेटर है उसने देखा कि वही जो वुमन है उसने एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था, जिसकी कुछ बटन्स थी जो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा धुलाई के बाद उसका कलर उड़ गया है. तो उसने देखा कि ये जो कार्डिगन है ये तो उसकी मदर ने ही सिला था, अपने हाथों से सिला था. तो उसे अब यकीन हो गया कि ये जहाँ पे आना चाहती थी ये वही एड्रेस है, और ये मिसेस डोल्डिंग ही है. द नैरेटर वॉन्टेड टू टॉक टू हर फॉर सम टाइम, बट द वुमेन कॉशियसली क्लोज द डोर. जो नैरेटर है वो उनसे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन औरत ने दरवाज़े को बंद कर दिया, या इतना सा बस रखा जिससे वो देख पाए. फिर इसके बाद जो नैरेटर है वो उनसे बोल रही थी कि मुझे आपसे बात करनी है. तो यहाँ पर मिसेस डोल्डिंग जो हैं, तो उन्होंने बोला नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, किसी और टाइम. तो फिर नैरेटर वहीं पर रुक गई कुछ समय के लिए और वहाँ से चली गई. मतलब वो जिस जगह पर खड़ी थी तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, और उसके बाद उसने उस प्लेस को छोड़ दिया. फिर उसके बाद फिर उसे बहुत सारी मेमोरीज याद आने लग गई, किस तरह से पुराने दिन थे. अब उसे ये याद आने लगे कि किस तरह से उसकी माँ ने उसे ये एड्रेस दिया था बहुत समय पहले, जबकि वॉर चल रहा था. तो इस तरह से वो जो है वो ये सारी चीज़ें याद करने लग गई. फिर उसे ये भी याद आ गया कि किस तरह से मिसेस डोल्डिंग उनके घर में आती थी, और जब भी आती थी तो एक सूटकेस हमेशा भरा रहता था, और वो भारी सूटकेस ले जाती थी जिसमें उनके घर का सामान रहता था. फिर अब यहाँ पर जो हमारे नैरेटर हैं उनने बताया कि जो मिसेस डोल्डिंग है उनको उन्होंने केवल एक बार देखा था, और जब उनकी माँ ने उन्हें बताया उसके ही दूसरे दिन उन्होंने देखा. तो जो मिसेस डोल्डिंग थी वो उनकी मदर की एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी, मतलब पुरानी जान पहचान वाली थी, लेकिन अचानक से उन्होंने अब उनसे अपना रिश्ता बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि वो वॉर चल रहा था. और मिसेस डोल्डिंग ने बोला कि मैं आपका सामान अपने पास सुरक्षित रखूँगी, आपको जब चाहिए आप ले जाना. तो इस तरह से वो बार बार उनके घर में आने लग गई, और वो हर बार एक हैवी सूटकेस ले जाती थी. तो इस तरह से मिसेस डोल्डिंग के बारे में उन्हें याद आने लग गया, और नैरेटर
ने जब अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि मिसेस डोलिंग है और ये हमारी मदद कर रही हैं। ये काफ़ी रिस्क उठा रही हैं क्योंकि इस टाइम वॉर चल रहा है और क्या पता कि हम लोग का सामान रहे या ना रहे। तो इस तरह से उन्होंने हमारा सामान सुरक्षित जगह पे रखा है। तो जो नरेटर थी तो उसे काफ़ी शक हुआ, उसने बोला कि वो हमारा सामान क्यों ले जा रही हैं। तो इस पर जो उनकी मदर थी उन्होंने बोला कि नहीं, हम उनसे ऐसे नहीं पूछ सकते कि वो हमारा सामान क्यों ले जा रही हैं, बल्कि हमें तो उनको थैंक यू कहना चाहिए। तो इस तरह से उसी टाइम पर नरेटर की मदर ने उन्हें एड्रेस दिया, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब हम लोग वापस से स्टोरी में आ जाते हैं, जहाँ पर जो नरेटर है हमारी वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ वापस गई, पर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उसे पहचानने से मना कर दिया। लेकिन अब तो इतना क्लियर हो गया था कि वो उसे पहचानती हैं। तो इसके बाद जो नरेटर है वो ट्रेन में बैठ गई और वहाँ पर वो सोचने लग गई मिसेस डोल्डिंग के बारे में। और फिर उन्हें याद आ गया कि किस तरह से उनका सामान उनके यहाँ रखा रहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अपनी फर्स्ट विजिट से खुश नहीं थी, मतलब जो हमारी नरेटर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि किस तरह से वो पहली बार गई और मिसेस डोल्डिंग से वो बात नहीं कर पाई। इसलिए उसने मन बनाया कि चलो मैं दोबारा वहीं पर जाऊँगी। फिर एक बार क्या हुआ कि वो वापस से उसी घर में गई, उसी एड्रेस में गई, और इस बार दरवाज़ा किसी एक 15 साल की लड़की ने खोला। तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन्हीं की बेटी है। और जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तब उसकी माँ घर में नहीं थी। फिर इसके बाद जो नैरेटर है तो उसने बोला कि मैं वेट कर लेती हूँ, और इसी तरह से जो गर्ल थी उसने उसको अंदर बुला लिया। अब उसके बाद फिर जो नैरेटर है उसने कुछ चीज़ें वहाँ पे देखी, जैसे एक पुराने फैशन का या बोल सकते हैं पुराने ज़माने का एक आयरन कैंडल होल्डर, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो मिरर के बगल में रखा हुआ था। तो इसी तरह से जो हमारी नरेटर है उसको लिविंग रूम में बैठाया गया और उसके बाद वो अंदर चली गई। तो जैसे ही वो उस घर में गई तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, क्योंकि एक ऐसे रूम में वो बैठी थी जहाँ पर उसे सारी चीज़ें समझ में आ भी रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में वो नहीं जानती। इसी को इस लाइन में बोला गया है, स्टूडेंट से क्वेश्चन में भी आ सकता है यही स्टेटमेंट, द नरेटर वॉज हॉरीफाइड टू फाइंड हरसेल्फ इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। मतलब एक ऐसा रूम था जिसको वो पहचानती थी क्योंकि ये उसकी मदर की ही बिलोंगिंग्स थी, लेकिन आज वो उन चीज़ों को नहीं पहचान पा रही है, मतलब प्रेजेंट में उसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर उसने अपने आप को बहुत सारी फैमिलियर चीज़ों यानी कि जो देखी हुई चीज़ें हैं उनके बीच में पाया, लेकिन अब उसे वहाँ पर घुटन होने लग गई, मतलब उसे उस एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अब वो उनको और ज़्यादा नहीं देखना चाहती थी। तब भी जो लड़की है उसने उसे दिखाया, तो फर्स्ट चीज़ उसने क्या देखा था, एक ओल्ड फैशन हनुक्का कैंडल होल्डर था जो कि मिरर के बगल में था। ये मैंने आपको बताया था कि ये ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर जिसमें कैंडल्स इसमें लगाई जाती हैं, तो ये वहाँ पे रखा हुआ था। फिर जब वो लिविंग रूम में गई तो उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं वहाँ पे, फर्नीचर एक रखा है जो कि बहुत गंदे तरीके से सजाया गया है। फिर उसी के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा मगी स्मेल आ रही है। मगी स्मेल मतलब जब कोई एक रूम बहुत ज़्यादा भर जाता है तो उससे अजीब सी स्मेल आने लग जाती है अगर उसकी साफ़ सफ़ाई नहीं की जाए, तो इसी तरह की स्मेल वहाँ से आ रही थी। फिर उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, उसने देखा कि वहाँ पे एक वुडन टेबल क्लॉथ है, मतलब लकड़ी पर जो बिछाने वाला टेबल क्लॉथ रहता है वो वहाँ पर है। और उसे याद आया कि ये उसकी माँ ने ही अपने हाथों से बनाया था, ये वुलन था। और इसमें फिर उसे याद आया कि एक होल है, मतलब एक छोटा सा कहीं पर एक छेद है। तो वो याद करने लग गई और अपनी उंगली से उसको पकड़ने लग गई। तो जैसे ही वो डायरेक्शन में अपनी उंगली को ले जा रही थी तो उसने सही में वहाँ पर एक होल पाया। तो इस तरह से उसे सारी चीज़ें याद आ रही थी। फिर उसके बाद उसने देखा कि वहीं पर जो गर्ल थी, जो 15 साल की लड़की थी, उसने एक टी पॉट से उसे चाय दिया, और जो टी पॉट था उसमें गोल्ड बॉर्डर था जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर शी ओपेंड द बॉक्स एंड टुक आउट सम स्पून। फिर उसके बाद उसने बॉक्स को निकाला और बॉक्स में बहुत सारे स्पून्स रखे थे, सब चांदी के थे, तो इस तरह के कुछ स्पून्स रखे हुए थे उसमें। फिर जो नरेटर थी उन्होंने उस बॉक्स के प्रेस किया, मतलब उस बॉक्स को बहुत ज़्यादा प्रेस किया कि ये बहुत एंटीक है और ये सिल्वर का बना हुआ। तो मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी उसने बोला कि ये एंटीक है, मेरी माँ ने बताया है। और इसके बाद फिर
वो जो लड़की थी उसने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट करके पूरे रूम में दिखाई, और वहाँ पर कटलरी रखा हुआ था। कटलरी मतलब जो डिनर या लंच करने का जो सामान रहता है वो पूरा रखा था, जैसे प्लेट्स रखी हुई थी, ग्लास रखी हुई थी। फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सिल्वर प्लेट्स हैं, ग्लास है और बोल है। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे कटलरी थी, फोक रखा था, नाइफ रखा था, स्पून रखा था। तो इस तरह की चीज़ें वो दिखाने लग गई। फिर जैसे ही जो हमारी नरेटर है उसने बताया कि ये सब सिल्वर के हैं, तो जो लड़की है वो हंसने लग गई, और उसके बाद फिर वो एक ड्रॉअर को ओपन करने लग गई, वहाँ से कुछ सामान निकालने लग गई। तभी जो नरेटर है उसने बोला कि मुझे याद आ गया कि मेरे ट्रेन का समय हो रहा है, और वो वहाँ से निकल गई। तो इस पर जो वहाँ पर लड़की खड़ी थी 15 साल की, उसने बोला कि आपको वेट नहीं करना है, तो उसने बोला कि नहीं वेट करना है, और कुछ बोलते बोलते वो निकल गई। इसका मतलब कि वो लड़की पहुँच पाती इससे पहले ही नरेटर वहाँ से निकल गई। नरेटर को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा ये सारी चीज़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें उसको उसकी माँ की याद दिला रही थी, और माँ इस दुनिया में नहीं है, तो जो उनका सामान है अब वो भी उसके मतलब का नहीं है। फर्स्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा ईगर थी वो पूरा सामान देखने के लिए, क्योंकि वो उसकी माँ से जुड़े थे, लेकिन आज उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो पर्सन से रिलेटेड थी, मतलब उनकी मदर से रिलेटेड थी, और उस सामान की वैल्यू नहीं थी। अब ये भी है कि उन्हें याद आ गया कि ये सब सामान वो ले जाके क्या करेंगी। वो जहाँ पे आज रह रही हैं वहाँ पे एक छोटा सा रूम है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, वहाँ पे कटलरी मतलब जो बर्तन है वो केवल कुछ गिने चुने हैं, और इस तरह से जो एक टेबल का ड्रॉअर है उसके अंदर ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नैरेटर है उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो उस एड्रेस पर वापस कभी नहीं जाएंगी। तो ये जो आपका लेसन है इस तरह से एंड हो जाता है।